नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज के शो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मनोज जैन साहब पृथ्वी फिनमार्ट के, अजय केडिया केडिया कमोडिटी के और जदत्त होलकर साहब डायरेक्टर हैं एपीएमसी लासलगांव के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत करेंगे प्याज की खबर के साथ और अमरीश भी हमारे साथ जुड़े हैं एक महत्वपूर्ण खबर लेकर, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात प्याज की, क्योंकि प्याज की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी तेज़ी आ गई है और दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि 80 रुपये किलो तक दाम पहुँच गए हैं, कुछ हिस्सों में 60 रुपये किलो तक दाम पहुँच गए हैं। तो प्याज की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी तेज़ी आती हुई दिख रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या प्याज के दाम अभी और बढ़ने वाले हैं, इसी पर पहले हम बात करेंगे। होलकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप लासलगांव से जुड़ रहे हैं। लासलगांव प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, क्या हो गया, प्याज के दाम इतने क्यों बढ़ गए अचानक? इसके अगर वजह देखेंगे हम तो अभी जो पिछले 2-3 महीने से जो गवर्नमेंट ने बार बार प्याज के बारे में अलग अलग डिसीजन लिए, इसलिए जो प्याज किसानों ने अभी रखना चाहिए था अपने खुद के पास, वो उन्होंने रखा नहीं, क्योंकि आगे जाके इसके दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये उसके मन में शंका थी। तो इसलिए उसने प्याज बहुत सारा बेच दिया, नाफेड़ हो चाहे बहुत सारी एजेंसी, उन्होंने भी प्याज परचेस किया है। पर आप जाके जब किसान के पास प्याज उपलब्ध ही नहीं है, तब जाके कभी अभी थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रेट बढ़ा हुआ है लेकिन किसानों के पास अभी प्याज नहीं है, और जो नया प्याज हमें दशहरे तक आना चाहिए था वो प्याज भी महा मंडी में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बारिश था वो बारिश का बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे बारिश हुई है, इसका भी असर नए जो प्याज आने वाला था उस पर हो रहा है, और इसलिए ये जो प्याज के दाम है ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक तो सप्लाई नहीं आ रही है और दूसरी बात ये कि किसानों के हाथ से माल निकल गया है, तो आप जरा आप जब ये बात कह रहे हैं कि किसानों ने अपना माल बेच दिया है, तो इसका मतलब क्या प्याज की जमाखोरी भी हो रही है, इस बात की भी आशंका आपको दिख रही है? जमाखोरी के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, और जमाखोरी करने के लिए क्या हुआ है कि पिछले 2 साल का अगर हम देखेंगे तो जब जब थोड़ा सा व्यापारियों ने माल रखने की कोशिश की तब तक गवर्नमेंट की वजह से उनका उन पर स्टॉक लिमिट हो या कुछ इनकम टैक्स के रेट्स हो, ये बार बार होने की वजह से अभी व्यापारी भी कुछ ज्यादा स्टॉक कर रहा है, ऐसा कहना ये नहीं होगा, व्यापारी भी अभी ज्यादा स्टॉक नहीं कर रहे, व्यापारी भी ट्रेडिंग के माध्यम से अपना पैसा बना रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का बार बार इसमें डिस्टर्ब करने की वजह से आज प्याज उपलब्ध नहीं, अब 5,000 के 6,000 भी देने के तैयार है लेकिन प्याज ही नहीं किसान के पास। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है प्याज के दाम और बढ़ सकते हैं? हाँ, अगर जब तक अगर नया माल मंडी में नहीं आता है जल्द से जल्द तब तक ये थोड़ा सा गैप हो सकता है। तो नए माल की क्वालिटी कैसी है और जो नए प्याज का उत्पादन है वो कैसा रहने वाला है? नया प्याज तो अभी आ ही नहीं रहा है, अगर पिछले 2-5 साल से देखेंगे तो दशहरे के बाद नया प्याज शुरू हो जाता है मंडी में धीरे धीरे, लेकिन ये अभी दशहरा होके भी अभी देख रहे तो कुछ ज्यादा प्याज नया माल मंडी में नहीं आ रहा है अब तक तो। अच्छा, तो नहीं मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आगे प्याज का उत्पादन बढ़ने वाला है घटने वाला है? अभी देखिए बारिश कम है और ये जो रेड ओनियन जो लगाते हैं जो किसान लगाते थे वो भी अभी बारिश नहीं होने की वजह से वो भी थोड़ा सा रुके हुए, इस साल बारिश ही नहीं हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं तो ये सप्लाई की कमी कब तक बनी रहेगी? जब तक नया माल नहीं आता है, 15-20 दिन तक तो भी ये शॉर्टेज रह सकता है, 15-20 दिन तक शॉर्टेज रह सकता है। ओके, ठीक है, देखते आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया होलकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्याज पर डिटेल में बात करने के लिए, बताने के लिए कि प्याज में आगे क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और गेहूं और दाल को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है और इस कड़ी में खबर यह आ रही है कि मोजाम्बिक से जो तुअर का इम्पोर्ट होता है उसमें जो कुछ हर्डल आ रही है तो उसको सीमलेस इम्पोर्ट के लिए मतलब कोई अड़चन ना हो, इसको लेकर मोजाम्बिक के हाई कमिश्नर से बातचीत हो रही है और ताकि जो है इम्पोर्ट ठीक तरीके से आ जाए, जो शिपमेंट है वो कहीं अटके नहीं और त्योहारों के दौरान
टूअर की सप्लाई ठीक तरीके से बनी रहे उसको ध्यान में रखते हुए ये बातचीत हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है गेहूं को लेकर ओपन मार्केट सेल के जरिए गेहूं की सप्लाई बढ़ाने पर भी फोकस हो रहा है। इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए अमरीश पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश बताइए क्या डिटेल जानकारी इसको लेकर। संजय देखिए गेहूं और दाल दोनों की बात आपने कही। दाल की अगर बात करूं तो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने आज एक बड़ी बैठक की है मोजाम्बिक के कमिश्नर के साथ। सबसे बड़ा जो इशू था इसमें ये था कि जो मोजाम्बिक से कंसाइनमेंट आने थे वो लगातार डिले हो रहे थे। उसके पीछे जो वजह बताई जा रही थी वो ये थी कि जो नोटिफिकेशन हैं जो कागजी कार्रवाई है उसमें देरी लग रही है। जो कंसाइनमेंट या कस्टम्स की जो प्रोसेस है वहाँ पर वो लिंगर हो रही है, इस वजह से कंसाइनमेंट लेट हो रहे हैं। लिहाजा इस बात को दुरुस्त करने के लिए और त्योहारी सीजन में कहीं भी कमी न हो, देश में जो घरेलू डिमांड है उसको पूरी तरीके से कैटर किया जा सके, दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि न हो, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मोजाम्बिक सरकार से बातचीत की है और ये कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि जो हर्डल्स हैं, जो इस तरह की तकलीफें आ रही हैं एक्सपोर्टर्स को, वो तकलीफें तत्काल प्रभाव से दूर की जाएँ, जो कागजी कार्रवाई उनको कम से कम रखा जाए और कई सारी चीज़ें हैं जिनको कि प्री ऑर्डर दिया जा सकता है, जिनको कि प्री अप्रूवल दिया जा सकता है, वो प्री अप्रूवल देकर उन कंसाइनमेंट्स को रिलीज़ किया जाए ताकि मोजाम्बिक के एक्सपोर्टर्स को जो है वो भी दिक्कत ना आए और जो भारत में उनकी खपत है, जो भारत में उनकी डिमांड है, वो कंसाइनमेंट भी ज़्यादा देरी से ना आए। तो एक ये बड़ा अहम फैसला जो अहम बैठक है वो आज हुई है। इसके साथ अगर गेहूं की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि रिटेल मार्केट में गेहूँ की कीमतें तेज़ी पर बढ़ती जा रही है। इस साल का जो अधिकतम मूल्य है वो 2930 रुपये वो दिल्ली का भाव आज का पहुँच गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बैठक की है और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो OMSS के जरिए जो रिलीज़ कर रही है सरकार उसमें एक LMT जो गेहूं है वो एक्स्ट्रा जारी किया जाएगा। इसके अलावा बिडर्स जो कि OMSS के जरिए बिडिंग कर रहे थे उनको अब ई ऑक्शन के जरिए जो लिमिट थी 100 MT की वो बढ़ाकर 200 MT की जा रही है, यानी कि अब वो ज़्यादा गेहूं ले सकते हैं। साथ साथ उनसे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गेहूं आप ले रहे हैं इसको तत्काल प्रभाव से खुले बाजार में रिलीज़ भी कीजिए, यानी कि उन आटा मिलों को और बाकी जो डिमांड जिनसे हो रही है उन तक रिलीज़ किया जाए ताकि कहीं भी इसकी होर्डिंग जैसी चीज़ें ना हो। और होर्डिंग को रोकने के लिए सरकार विशेष दस्ते बनाकर इसके लिए छापेमारी भी कर रही है। जो जानकारी हमें मिली इसके अनुसार 1627 ऐसी लोकेशंस हैं देश भर की जहां पे कि इस तरह की छापेमारी की गई है और उनसे बड़ी मात्रा में जो गेहूं रखा गया था जो कि स्टॉक डिक्लेरेशन के अलग था उस गेहूं को लेकर अब उनको सरकार बाजार में रिलीज करेगी। तो कुल मिलाकर ये दो बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से देखी जा रही है त्योहारी सीजन में डिमांड को पूरा करने के लिए और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए। मृत्युंजय ओके, तो ये डिटेल खबर की क्या क्या हो रहा है इस वक्त और जो लिमिट है OMS के जरिए वो बढ़ाई गई है 2 लाख टन से बढ़ाकर 3 लाख टन की गई है। जो बीडर हैं वो 3 लाख टन तक यहाँ पर ले सकते हैं तो सप्लाई बढ़े इसको लेकर के प्रयास काफ़ी तेज हो गए हैं। शुक्रिया अमरीश आपका इस खबर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है और ये बताने के लिए हमारे साथ मनोज जैन साहब हैं और अजय केडिया हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनोज जी पहला सवाल तो आपसे गोल्ड पर होगा। सर गोल्ड का मार्केट करीब करीब 120 रुपए नीचे है, क्या किया जाए? आज कुछ और नीचे देख रहे हैं प्राइस को आप? नमस्कार मृत्युंजय जी, पिछले सप्ताह शुक्रवार को आपके साथ ही शो में थे तो सोना 61,000 और चांदी 73,300 की बात हमने कही थी और वो दोनों लक्ष्य इस सप्ताह में हासिल भी हुए। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही लेकिन ट्रेंड सोने और चांदी का अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ जो भी डिप्स आता है, कल भी हमने कीमतों को लगभग 60,600 तक आते हुए देखा था तो 60,500 60,600 एक अच्छा सपोर्ट जोन है भारतीय बाजारों में। वो लेवल के आसपास कीमतें आए तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए 60,250 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 61,300 का रहेगा, ये नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। अच्छा अजय जी आपका क्या व्यू है सर गोल्ड पे, आपके हिसाब से क्या किया जाए इस लेवल पे? वेरी गुड इवनिंग मित्र जी, अगर हम देखें गोल्ड इंटरनेशनल में तो करीबन प्राइजेस $2,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। नो डाउट टेक्निकली अगर हम देखें तो काफी अच्छी रैली हमने पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखी है प्राइजेस में। अभी भी वॉर का जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल है क्योंकि जिस ढंग से इसराइल ग्राउंड इन्वेशन पे लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं जियो पोलिटिकल टेंशन को अपलिफ्ट रख रहा है। तो 3 दिन से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस डोमेस्टिक मार्केट में 61,000 के करीब जाता है, 61,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो अनलेस एंड अंटिल अगर हम प्राइजेस के अंदर
वॉर का प्रीमियम कम नहीं होता है, मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, बट अभी तो एज ऑफ नाउ चौकी रेंज में, तो आज के लिए मुझे लगता है कि 60,700 के पुल बैक पे एक बाइंग कॉल लिया जा सकता है 60,500 के स्टॉप लॉस से। इमीडिएट टारगेट तो 61,200 का ही है, जैसे मनोज जी ने भी कहा है कि 61,200-61,300 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, अगर ये टूटता है तो एक नई तेजी की तरफ बढ़ सकता है मार्केट, बट टाइमिंग 60,700 के करीब हमको लेके चलना चाहिए। ओके, चांदी पर क्या कमेंट है आपका मनोज जी, सिल्वर में क्या किया जाए? चांदी में भी एक दायरा बना हुआ है मृत्युंजय जी, हमने देखा है कि 70,700-70,800 एक अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ भी बना हुआ है, हालांकि ऊपर में 72,500 के ऊपर निकल नहीं पा रही है, तो दायरा बना रहेगा। शाम के सत्र में कहीं भी अगर 71,000 के स्तर के आसपास मिले तो यहाँ भी बाइंग की सलाह रहेगी, 70,550 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 72,000 का लेकर के चलना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पर, इसमें आप नजर रखिए। अब बात करते हैं क्रूड की, और कच्चा तेल एक बार फिर से बढ़ने लगा है। ब्रेंट क्रूड का भाव कुछ देर पहले 90 के ऊपर था, अभी 90 के नीचे है, लेकिन मार्केट तेज है कुल मिलाकर। तो केडिया जी क्या किया जाए कच्चे तेल में, क्या अभी आज के लिए बाइंग करना ठीक है, या आपको लगता है कि फ्राइडे है क्यों टेंशन लिया जाए, मार्केट यूएस खुलने के बाद कहीं वोलेटाइल ना हो जाए, तो दूर से देखें मार्केट क्या करें? देखिए क्यों लिया जाए, कंसर्न है तो कंसर्न में ही कच्चा तेल बढ़ता है, और हमने पिछले 2-3 महीनों में देखा है कि 6800 के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना ही 7500 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। आज के सेशन में, कल के सेशन से आज में अगर हम देखें तो करीबन $2 इंटरनेशनल में बढ़ चुका है, जिस से यूएस के जो मिलिट्री अटैक हुए हैं फैसिलिटीज के अंदर सीरिया के अंदर, और कहीं ना कहीं ईरान इजराइल हमास ये जो कॉन्फ्लिक्ट डिवाइड बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा सीधा सपोर्ट हम कच्चे तेल पे देख रहे हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में जो गिरावट आनी थी वो कल के सेशन तक हमने देखी थी, और लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, तो मुझे लगता है करंट लेवल से या 7030 पे लेके चलिए, 6900 का स्टॉप लॉस रखिए, 7250 का टारगेट हमें मंडे तक मिल सकता है। वोलेटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, जो न्यूज डेटा पॉइंट है उनके ऊपर नजर रखिए, बिकॉज थोड़ी भी न्यूज आती है उसका इम्पैक्ट बुलियन और खास करके कच्चे तेल पे इम्पैक्ट देता है, तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ जो इवेंट है उसको देखते हुए बाय करके ही चलना चाहिए। ओके, तो कह रहे हैं कि इवेंट को देखते हुए बाइंग का ट्रेड लेना ठीक रहेगा, 7,250 ये टारगेट आप ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखकर आप बाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और अनिल है, पहला सवाल अनिल का है, पूछिए अनिल। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। मैं कह रहा था सर हाजिर में उड़द बड़ा अपने पास, तो अभी हाजिर में 100 रुपए समथिंग बिक रहा है, इस भाव में बेचना चाहिए या रुकना चाहिए सर? बताइए मनोज जी, उड़द का स्टॉक है इनके पास स्पॉट में 100 रुपए के आसपास का, तो क्या रुकना चाहिए अभी? दालों में अभी अच्छा रेट है मृत्युंजय जी, और मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बार एटलीस्ट आधी पोजीशन जो है इनको बेच के चलना चाहिए, क्योंकि आगे जो रबी की सोइंग सीजन भी स्टार्ट हो रही है, तो चना की सोइंग इस बार बढ़ती हुई दिख रही है, तो एटलीस्ट 50% पोजीशन इनको यहाँ पे एक बार सेल करने की सलाह रहेगी। राहुल है नेक्स्ट कॉलर एमपी से, पूछिए राहुल जी। सर मेरी चांदी में 72,000 की खरीदी हुई, तो अब मुझे यहाँ से क्या एवरेज करना चाहिए चांदी में? 72,000 पे बाइंग है आपकी? जी सर। अच्छा, मार्केट है अभी 71,500 के नीचे, तो अजय जी क्या सुझाव इनके लिए? देखिए एवरेज कभी भी ऐसा मत कीजिए कि 500 पॉइंट नीचे आए तो मैं एवरेज कर लूं, क्योंकि करंटली अगर हम एवरेज वॉलेटिलिटी अगर चांदी में देखें तो लगभग 2,500 पॉइंट की आ रही है, तो मुझे लगता है पहला चीज करंट लेवल पे आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। हाँ, की इवेंट्स है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बने हुए, डॉलर में भी अगर हम इंटरनेशनल में भी देखें तो लगभग $23 के करीब है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट लेवल से एवरेज नहीं करना है। मार्केट में मोस्ट प्रॉब्ली ये कि अगर 23,20-23,30 का लेवल कभी भी दिखा दे तो हायर साइड पे मुझे लगता है कि आपको 72,200 से 72,500 की रेंज में वापस मिल जाएगा। एवरेज करने के लिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको 70,500 का अगर मिलता है तो ही एवरेज करना, बट उससे पहले अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। नेक्स्ट कॉलर आकाश है एमपी से, पूछिए आकाश। सर मैंने सिल्वर बाइंग कर रखी सर, 70,000 से शुरू करी थी सर, अब मेरे पास 5 kg के 19 लोट है सर। किस भाव पर बाई किया आपने? 77 सर। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं मनोज जी, अभी रुकना चाहिए इनको? बिल्कुल रुकना चाहिए मृत्युंजय जी, वॉलिटिलिटी है लेकिन ट्रेंड अभी ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव ही है चांदी का। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कीमतें एक बार 70,000 तक आए, लेकिन अगर ये थोड़ी लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं 3-4 महीने की अवधि के लिए, तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए, इनके रेट वापस यहाँ पे मार्केट में अगले 3-4 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके।
अच्छा, मेटल पर कोई कॉल है आपके पास अजय जी इस वक्त अभी के लिए, आज शाम के लिए? बिल्कुल, अगर मेटल में सबसे पहले कॉपर की बात करें, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ये तीन ऐसे कमोडिटीज जिनमें कुछ हलचल ज्यादा दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें तो हमने नवंबर वायदे में पिछले दो पांच दिनों में देखा 700 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, ना ही 710-712 के ऊपर जा पा रहा। चाइना ने 1 ट्रिलियन युआन का इन्फ्यूजन किया है इकोनॉमी में, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं प्राइजेस को कोई मेजर लिफ्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि वॉर कंडीशन के चलते हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्री के नंबर अच्छे नहीं। अगले हफ्ते मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आने, अगर 50 के ऊपर मेंटेन रहता है तो डेफिनेटली कॉपर को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, 702 के करीब लेके चलिए, 697 का स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएट अपसाइड जो रहेगा 710 का रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी 220 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था पहले, वो तोड़ के प्राइसेस कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, तो 220 के करीब जिंक को लेके चलिए, 217 का स्टॉप लॉस रखिए, हायर साइड पे 224 तक का एक लिमिटेड अपसाइड दिखाई दे सकता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्रेम व्यास है, पूछिए प्रेम जी। प्रेम जी आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं जी, बोले सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि 700 के लेवल पे अगर मैं कॉपर खरीदता हूँ, बेचता हूँ, 700 रुपए लेवल पे अगर मैं कॉपर, 705 रुपए भी प्रेजेंट भाव चल रहे हैं, 705 रुपए में लेवल कॉपर बाइंग करता हूँ तो कैसा रहेगा सर? अच्छा मनोज जी, 705 मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है, क्या इस भाव पर कॉपर बाई करना ठीक है? बाय कर सकते हैं, एक बार 710-711 तक के इस तरह देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा 1-2 रुपए गिरावट का वेट करना चाहिए। 6 बजे डेटा है यूएस का, उस समय अगर उठा वॉलेटिलिटी रहे तो 704 के आसपास बाय करें, जैसा कि अजय जी ने भी बताया। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 700 के नीचे का आज इंट्राडे में मेंटेन करके चले, ऊपर में 710-712 तक का लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। ओके, ठीक है, इस पर आपने रखिए। नेक्स्ट कॉलर जयराम है हमारे साथ, पूछिए जयराम जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए जी। गोल्ड पे करंट रेट पे बाय या सेल, और इवनिंग सेशन में टारगेट क्या रहेगा? गोल्ड में बाय या सेल, इवनिंग सेशन का टारगेट क्या रहेगा, बताइए अजय जी। बिल्कुल, देखिए वॉलिटिलिटी तो कंटिन्यू रहेगा, जैसे अभी मनोज जी ने भी कहा कि डेटा इंपॉर्टेंट है आज शाम का, तो मुझे लगता है थोड़ा सा पुलबैक मिल सकता है, तो करंट रेट का वेट कीजिए, 6 बजे का डेटा भी है, तो मुझे लगता है 60,700 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 60,500 का स्टॉप लॉस रखिए, 61,200 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। लेकिन हम और सवाल लेंगे, उससे पहले आपको याद दिला दें कि 3 नवंबर को, जी हाँ, मतलब अगले फ्राइडे को मैं पहुंच रहा हूं बीकानेर, और आपसे मिलने, आपसे रूबरू होने, और जी बिजनेस स्टार एग्री की खास पेशकश किसान चौपाल लेकर हम आत्मनिर्भर किसान, ये हमारा हमारी थीम है, और इसको लेकर हम पहुँच रहे हैं बीकानेर, और जहाँ पर किसानों के साथ, कारोबारियों के साथ ढेर सारी बातें होंगी, और हम जानेंगे कि ग्राउंड पर किसानों के सामने क्या चैलेंजेज हैं, कारोबारियों के सामने क्या चैलेंजेज हैं, क्या चुनौतियां हैं, और उससे कैसे निपटा जाए, इस पर डिटेल में बात होगी। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, और हिस्सा लेने के लिए आपको करना यह है कि SMS करना है, ZV लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखकर स्पेस देकर, शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज देना है। तो याद कर लीजिए, 3 नवंबर की तारीख आप नोट रखिए, 3 नवंबर मतलब अगले फ्राइडे को हमारी मुलाकात होगी बीकानेर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर बालकृष्ण है, पूछिए बालकृष्ण जी। हाँ जी, गंवार 7,000 कब तक रहेगा? 7,000? हाँ जी, ये तो अजय जी ही करवाएंगे, बताइए अजय जी। बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, और गवार सेमिनार में मैंने भी कहा था कि 20 अक्टूबर के बाद हम अच्छा मोमेंटम देखेंगे। हमने रिसेंटली देखा भी कि प्राइजेस ने जो 5400 के लो मारे थे वहां से रिकवर करके 6100 के पहले लेवल पे आ चुका है। एज ऑफ नाउ जो ब्लड बाथ हमने इक्विटी मार्केट में देखा है, उसी का एक असर हमने 2 दिन पहले पूरे ही एग्री कमोडिटी में भी पड़ते हुए देखा था, उसके बावजूद भी आज हम देखिए 59 के ऊपर आ चुका है। मुझे लगता है अगला जो पड़ाव रहेगा वो 6400 है, बट स्लोली एंड स्टेडीली प्राइजेस 6400 का लेवल तोड़ते हम जो 7000 का लेवल देख रहे हैं वो दिसंबर जनवरी के मिड में दिखा सकता है, क्योंकि रिसेंट जो फंडामेंटल देखे थे वो काफी स्ट्रांग है। ओके, नेक्स्ट कॉलर गोविंद भाई है, पूछिए गोविंद भाई। गोगन भाई पूछिए। सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। जी जी बोले। अरे मैं बार बार सुन रहा था तो तुम्हारे कार्यक्रम में के जीरा ना 14,000 था, 15,000 था, तो इतना बड़ा क्यों टूटा?
कब रिकवरी, मेरे पास 140 मण है। नहीं मनोज जी, जीरा क्यों टूटा और रिकवरी कब? टूटने के पीछे मुख्य वजह यहाँ पे हमने जो देखी है मृत्युंजय जी, उसके पीछे एक्सपोर्ट की डिमांड में कमी है, तो उसके चलते हमने पैनिक सेलिंग जो यहाँ पे देखी है। अब 45,000 एक यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो वो सपोर्ट है, और वहां से ही आज मार्केट थोड़ा सा रिवर्स जो है होता हुआ दिखा है। काफी ओवरसोल्ड जोन में कमोडिटी, लेकिन बड़ी तेजी अभी यहाँ दिखाई नहीं देती है। यहाँ 51,000 तक के स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं, तो अभी जो दायरा यहाँ पे समझ में आता है टेक्निकली चार्ट पे, वो 45,000 से 51,000 का आता है। तो 51,000 के आसपास भाव आए तो एक बार ही अपनी पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए, कह रहे हैं कि 51,000 का भाव दिखे तो आप एक बार एग्जिट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर यूपी से आ रहा है, पूछिए। जी सर, केडे जी से सवाल है, अभी जैसे एमसेट की साइड मतलब अपडेट हुआ है, ये सॉफ्टवेयर ये भाव नहीं चल रहे हैं, रुक रुक के चलते हैं, ये सब जगह दिक्कत है, हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है। क्या क्या भाव नहीं चल रहे हैं, मतलब रुक रुक के चलते हैं, मतलब भाव नहीं, ये ऐसी कोई दिक्कत है क्या अजय जी? अभी अजय जी चेक कर रहे थे कि आपको सवाल को सुनते उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया। बताइए सर, कोई दिक्कत आ रही है रेट में? मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ ऐसा कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। ये जरूर है कि जब से M6 के नए सॉफ्टवेयर है तो सबको ऐसा लग रहा है कि कुछ रुकावट होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने माइग्रेशन देखा था एक दो दिन हमने देखा भी था कि ट्रेड भी पॉज किया गया था, बट अब कुल मिलाकर एज ऑफ नाउ ट्रेड अच्छे से जा रहे हैं, बिडास भी अच्छे से मूव कर रही है। मे बी ISP का कुछ अगर उनके लोकल में इश्यू होगा तो वहां पे एक बार चेक कराइए, बट अदरवाइज एक्सचेंज बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, भाव भी अच्छे से रिफ्रेश हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर दीपक है नासिक से, पूछिए दीपक जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। तपास कर ली मेरा डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 2780 पर फुल लोड बाय, इसका दिसंबर और जनवरी का क्या होता है? दिसंबर फरवरी तक कपास खली का भाव कहां तक जा सकता है मनोज जी? ऊपर में यहाँ पे 3020 3040 तक का स्तर देखने को मिल सकता है, तो वर्तमान लेवल से भी लगभग 100 से 140 रुपए तक की बढ़त और यहाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन हमने एक अच्छा मूवमेंट जो है निचले स्तरों से आते हुए देखा है, अगर इनकी निचले स्तर की बाइंग है तो एटलीस्ट 50% पोजिशन में इनको मुनाफा करना चाहिए, बाकी पोजिशन में 3040 के आसपास मुनाफा ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि कॉटन केक में अभी आपको करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और काउंटर। अच्छा, टर्मरिक में आज बड़ी तेजी आई है अजय जी, क्यों? देखिए मृत्यु जी, अगर पूरे मसाले पैक की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट हमने ये हफ्ते में आते हुए देखी, लेकिन फंडामेंटल जैसे हमने जीरे में देखा या टर्मरिक में देखा, तो टर्मरिक में खास करके मुझे लगता है कि 12800 से 13 का जो जोन है वो काफी टेक्निकली भी स्ट्रांग है, और फंडामेंटल साइड में भी देखे तो हमने देखा कि लोअर लेवल पे अराइवल्स भी कमी आ जाती है और सामने धीरे धीरे एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ेगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि सितंबर मंथ में 13,000 या 12,850 के लो से मार्केट उठा है, तो टेक्निकली काफी साउंड है और धीरे धीरे लोअर लेवल्स पे बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई दे रही, तो ये जंप कंटिन्यू रह सकता है, जो मुझे लगता है 13,800 से 14,000 का एक टेम्परेरी जंप रहेगा। ठीक है, सिद्धार्थ है नेक्स्ट कॉलर नोएडा से, पूछिए सिद्धार्थ जी। सर मैंने एक नेचुरल गैस सेल की हुई है 282 पे, मैं क्या करूं सर? 282 पे आपने बाय किया है? सेल किया हुआ है सर। सेल किया है, अच्छा क्या करें मनोज जी? 308 का एक स्टॉप लॉस इनको रखना चाहिए, काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है, अगर वहां से रिवर्सल आएगा तो एक बार 288-285 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 308 के ऊपर अगर कीमतें निकले तो फिर शॉर्ट के पोजीशन से इनको एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, अजय जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दें कि 3 नवंबर को हमारी मुलाकात होगी बीकानेर में, और बीकानेर में हम पहुंच रहे हैं आत्मनिर्भर किसान चौपाल लेकर। जी बिजनेस और स्टार एग्री की एक खास पेशकश है, इसमें आप भी हिस्सा लीजिए और जानिए कि क्या दिक्कत है कारोबारियों के सामने, किसानों के सामने, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप ZB लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज दें।